लुधियाना के थाना कोतवाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई नाकाबंदी के दौरान एक कार सवार दो व्यक्तियों को काबू कर उनके पास से 2 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी 1 प्रज्ञा जैन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर लुधियाना के दमोरिया पुल के नजदीक नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान एक कार सवार दो व्यक्तियों को रोककर जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 किलो 700 ग्राम अफीम बरामद हुई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान हरजिंदर सिंह उर्फ चिंटू निवासी जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश और जगतार सिंह निवासी जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। दोनों आरोपी उत्तराखंड नंबर की कार में सवार थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। एक बड़ी सफलता मिलते हुए जो है डिवीज़न नंबर 1 की पुलिस ने अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी अफीम की रिकवरी की है, जिसमें टोटल रिकवरी है 2 किलो 700 ग्राम। इसमें FIR नंबर 109 इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शंस 18C 61 85 NDPS एक्ट, और ये दो बंदे जड़े हैंगे उन्होंने आप गिरफ्तार किया है, जिन्हों का नाम है हरजिंदर सिंह ते जगतार सिंह। ये जड़े दोवें हैंगे ये यूपी तो बिलोंग करते हैं। ये हरजिंदर सिंह जड़ा हैगा वो गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ ते जगतार सिंह अमरोहा डिस्ट्रिक्ट उदा रेजिडेंट हैगा। आपां इहदे विच जड़े बैकवर्ड लिंकेजेस ने उन्हां नूं भी आपां प्रोब कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि आपां प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद आपां कीती है, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गो एंड फाइंड द सोर्स कि ये कितों लेके आ रहे हैं। वो बंदे भी आइडेंटिफाइड ने, बट ड्यू टू ऑबवियसली द कॉन्फिडेंशियल रीजनस एंड द रीजनस ऑफ रिगार्डिंग द ऑपरेशनस आपां उहदे नाम तुहानूं डिस्कलोज़ नहीं कर रहे।